हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज मैं करूंगी इरेगुलर वर्ब। आज हम लोग करेंगे इरेगुलर वर्ब, उसकी कॉन्जुकेशन करेंगे। इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, कैसे करना होता है, वो सब हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मान लीजिए स्पैनिश या फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। चलिए आज शुरू करते हैं हम इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब बेसिकली क्या होती है? इरेगुलर वर्ब में बेसिकली क्या होता है, अगर हम ये बिल्कुल जैसे हमने रेगुलर वर्ब में क्या था, एक फिक्स पैटर्न था। आप एक पैटर्न को फॉलो करते थे, आप वर्ब उठाते थे, उसकी रूट उठाते थे एंड एक पैटर्न फॉलो करते थे, ई एस टी टी ई एन टी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मैंने तीन कैटेगरीज आपको बताई थी। लेकिन आज जो हम करेंगे, देखो रेगुलर और रेगुलर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, इरेगुलर में डू और एज यस डिफरेंट होता है। आपका इश सेम होगा रेगुलर की तरह, बी एज इजी सेम होगा, ईयर सेम होगा, लेकिन डू और एज यस डिफरेंट होगा। अब वो कैसे होगा मैं आपको कर दिखाती हूँ। तो मान लीजिए हमारी वर्ब है, ये आज हम कर रहे हैं इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब को अनरेगुलमेशियस वर्ब भी बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर का मतलब एक फिक्स पैटर्न नहीं है। तो आज जैसे कि हम एक वर्ब लेते हैं एसन। एसन का मतलब होता है टू ईट, कुछ खाना। तो कॉन्जुगेशन इश, पहले मैं सब्जेक्ट प्रोनोमन लिख देती हूँ, इश टू एयर जी एस वीयर जी जी ईयर। आई होप आपको इनके मतलब पता होंगे। इश का मतलब आई, दू का मतलब तुम, एयर जी एस का मतलब ही शी इट, इसका मतलब वी, इसका मतलब यू आप या आप लोग, मैंने एक ही बार लिखा है, जी मतलब दे एंड ईयर मतलब तुम लोग, यू ऑल, बट इनफॉर्मल वाला। ठीक है, ये तो आपके सब्जेक्ट प्रोनोमन हो गए। अब बात करते हैं हमें कॉन्जुगेशन कैसे करनी है। तो कॉन्जुगेशन इरेगुलर में क्या होता है, आपका एक फिक्स पैटर्न नहीं होता। रेगुलर में क्या था, सिर्फ आपको रूट उठानी थी, उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ एंडिंग लगानी थी सब्जेक्ट प्रोनोमन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो डिफरेंट होगा वो होगा आपका डू और एज यस। ठीक है, लेकिन ये इश वी एज इजी बिल्कुल रेगुलर की तरह चलेगा। तो रेगुलर में क्या होता है, इश ऐसा जैसे हम करते हैं, दू छोड़ देते हैं, भी एयर जीएस छोड़ देते हैं, वी एस जीजी में एक्चुअल फॉर्म आती है एसन, और ईयर में रूट उठाओ, ये रूट है, इतनी रूट है, और टी लगा दो एस्ट। तो ये तो आपकी रेगुलर की तरह है, इतना तो काम चल गया। अब दू और एयर जीएस में ऐसा क्या चेंज होता है, दू में क्या होता है, जो ये आपका ई है, दिस ई, ये ई कन्वर्ट हो जाता है आई में, दिस ई कन्वर्ट्स इनटू आई। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे नॉर्मल हम कॉन्जुगेशन करते तो ये ऐसे होती ना, अब एस तो ट्रिपल एस तो आ नहीं सकता। मैंने आपको लास्ट थर्ड लेटर आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ट्रिपल लास्ट थर्ड लेटर हमारा एस होता है तो हम एस नहीं लगाते एक्स्ट्रा। एक तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया, टेक्निकली ये होना चाहिए था ना, बट ये नहीं होता, जो ये ई है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे होगी आपकी कॉन्जुगेशन, ये कुछ इस तरह से होगी। तो ये ई, दिस ई कन्वर्टेड इनटू आई, तो ये हो गया डबल एस टी। और ए एस जी एस में भी क्या होगा, ये आई कन्वर्ट हुआ इस। अब आप बोलोगे ये दोनों कॉन्जुगेशन सेम क्यों है, मैंने आपको बताया था तीसरी कैटेगरी, अगर हमारे लास्ट थर्ड लेटर एस जेड या टी होता है तो वहाँ दू और एज यस सेम होते हैं, वहाँ पर एक तो दू का एस हट जाता है ना, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो दोनों की कॉन्जुगेशन ये हो गए। यानी कि इरेगुलर का पैटर्न नंबर वन क्या है, आपका जो ई है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, लाइक मैंने लिया हेल्फन। हेल्फन आपकी एक वर्ब है, हेल्फन में क्या करना है, ये ई, दिस ई विल कन्वर्ट इन टू आई। अब ऐसा नहीं है, अब आपका क्वेश्चन ये उठ सकता है, अरे हमें अगर मुझे पता चल गया कि मुझे हर वर्ब में इरेगुलर में ये करना है, नहीं, हर वर्ब में ऐसा नहीं करना। जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना याद करते जाइए, मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि हाँ ये इरेगुलर है, रेगुलर है और इरेगुलर है, तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सिर्फ एक ही पैटर्न नहीं है, पैटर्न और भी हैं जो आगे हम सीखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये पहला पैटर्न है, पहला पार्ट कह सकते हो, पहला पैटर्न है। तो अब ये ई आइकन आई में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस ई विल कन्वर्ट इन टू आई। तो क्या होगी कॉन्जुगेशन, इश हेल्प डू हेल्प्ड एस हेल्प्ड वी एस इज हेल्पन ईयर हेल्प्ड।
इश हेल्पर डू हेल्प्स एज इज हेल्प्ड बी एज इज हेल्पन ईयर हेल्प। अब क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ जो यहाँ पर ई आना था वो आई में चेंज कर दिया, बाकी सब तो सेम है, वो तो ये रहेगा ई एस टी टी ई एन टी, ये तो सब सेम रहेगा, जो एक्स्ट्रा चेंज हुआ है वो जो ये ई है वो आई में कन्वर्ट हो गया, तो डू हेल्प्ड एज इज हेल्प्ड, राइट। एक और ले लेती हूँ मैं वर्ब, फिर और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, तो क्या होगा इश प्रेशर डू, अब देखो ये ई विल कन्वर्ट इन टू आई, स्प्रिश्ड, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, स्प्रिश्ड साउंड सेम निकलती है, वी एज इज एक्सप्रेशन ई एस प्रेस्ड, तो इश प्रेशर डू स्प्रिश्ड एज इज प्रिस्ट वी एज इज एक्सप्रेशन ई एस प्रेस्ड, ये आपकी वर्ब कॉन्जुगेशन होती है, ई आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस ई कन्वर्टेड इनटू आई। तो ये एक पैटर्न है जो आज हमने सीखा है, तो हमने क्या सीखा ई आई में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसकी और वर्ब्स दे देती हूँ, आप घर पर ट्राई करना, एक करना गेबन, इसमें भी ये ई आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आप करना त्रेफन, त्रेफन मीन्स टू मीट, गेबन मीन्स टू गिव, दिस मीन्स टू गिव एंड त्रेफन मीन्स टू मीट, तो इसको घर पे ट्राई करना, ये ई कन्वर्ट होगा, दिस ई विल कन्वर्ट इनटू आई, सिर्फ डू और एज यस का ये कॉन्जुगेशन आप करना। आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न जर्मन सो यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, थैंक यू वेरी मच।